नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं कि प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। केंद्र के नए 3 कृषि कानूनों के विरोध में रेल रोको प्रदर्शन के तहत पंजाब और हरियाणा में वीरवार को किसान कई जगहों पर पटरियों पर बैठ गए। वहीं एहतियात के तौर पर अधिकारी ट्रेनों को स्टेशनों पर ही रोक रहे थे। राजस्थान उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति रही। वहीं किसान आंदोलन के प्रमुख संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के लिए दबाव बनाने को लेकर 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको का आह्वान किया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान गीता जयंती एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़ गए, हालांकि ट्रेन उस वक्त खड़ी थी। कुरुक्षेत्र से रेलवे अधिकारियों ने बताया, ट्रेन कुरुक्षेत्र स्टेशन से दोपहर 3 बजे के बाद रवाना होने वाली थी। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब में किसान दिल्ली लुधियाना अमृतसर रूट पर कई जगह ट्रेन की पटरियों पर बैठ गए थे। उन्होंने बताया कि जालंधर में किसानों ने जालंधर कैंट, जम्मू रूट और मोहाली में भी ट्रेन की पटरियां अवरुद्ध की। अधिकारियों के अनुसार हरियाणा में प्रदर्शन करने वालों में महिलाएं भी शामिल रहीं। राज्य के अंबाला, सिरसा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पंचकुला और फतेहाबाद में किसान जगह जगह पटरियों पर बैठ गए। अंबाला से भारतीय किसान यूनियन के नेता गुलाब सिंह मानकपुर के नेतृत्व में किसानों का एक समूह अंबाला कैंट स्टेशन से करीबन 2 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव में पटरियों पर बैठ गया। किसान नेता ने कहा कि कृषि कानून वापस लिए जाने तक हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सरकारी रेलवे पुलिस तथा राज्य पुलिस बल के कर्मियों को तैनात किया गया। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन ने ट्रेनों को स्टेशन पर ही रोकने का फैसला किया ताकि यात्रियों को रेल रोको आह्वान के कारण परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों ने बताया कि किसानों के रेल रोको आह्वान के कारण ट्रेनें देरी से चल सकती हैं। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन समाप्त होने के बाद सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए ट्रेन सेवा पुनः बहाल कर दी गई। हरियाणा में रेलवे पुलिस के अलावा राज्य पुलिस के कर्मियों को भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन स्थलों और विभिन्न स्टेशनों पर तैनात किया गया। अंबाला डिवीजन के संभागीय प्रबंधक जीएम सिंह ने बताया कि रेल रोको आह्वान के कारण कोई ट्रेन रद्द नहीं हुई। हरियाणा के भिवानी जिले के एक किसान नेता ने बताया कि सिवानी और लोहारू सहित 4 जगहों पर जिले में ट्रेन की पटरियां अवरुद्ध की गई। भारतीय किसान यूनियन एकता अग्रहण के महासचिव सुखदेव सिंह कोखरी कला ने बताया कि संगठन के सदस्य पंजाब के नाभा, मानसा, बरनाला, बठिंडा, फिरोजपुर, जालंधर और तरन तारण सहित 22 जगहों पर ट्रेनों की पटरियों को अवरुद्ध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 2 नाबालिग लड़कियों का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच के मुताबिक ये मामला जहर खाने का लग रहा था। अब पोस्टमार्टम में भी इसकी पुष्टि हो गई है। दोनों मृत लड़कियों के साथ एक और लड़की भी थी जो अभी जिंदा है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल अवस्था में उस लड़की को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया है। यह वारदात असोहा थाना के बबुरहा गांव की है, जहां बुधवार को 2 लड़कियों के शव खेत से मिले थे। जानिए इस मामले में तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। बुधवार 3 बजे दोपहर में तीनों लड़कियां जानवरों के लिए चारा लेने के लिए निकली। 6 बजे तक जब लड़कियां वापस नहीं लौटी तो परिजन खोजबीन करने में निकल गए। 7 बजे तीनों लड़कियां खेत में बेहोशी की हालत में मिली। 7:30 बजे परिजन तीनों को लेकर असोहा CHC पहुंचे। 7:40 पर जांच के दौरान डॉक्टर ने काजल और कोमल को मृत घोषित कर दिया और तीसरी लड़की रोशनी को जिला अस्पताल रेफर किया। 8:20 पर SP आनंद कुलकर्णी, ASP VK पांडे समेत अन्य अधिकारी मौके वारदात पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। 9 बजे रोशनी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया। 9:30 बजे रोशनी को कानपुर के हैलेट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। 10:05 पर IG लक्ष्मी सिंह ने मौके वारदात का निरीक्षण किया। 11 बजे ADG SN सावत ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और अधिकारियों को अग्रिम निर्देश दिए। जिंदा बची लड़की को एयरलिफ्ट करने की मांग की गई है। बता दें कि जिंदा बची लड़की रोशनी का बयान बेहद महत्वपूर्ण है, उसी के जरिए पता चल सकता है कि आखिर क्या हुआ था।
बेहद गंभीर हालत में लड़की कानपुर में भर्ती है। सुबह से उसने सिर्फ एक बार आंख खोली है, कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। मौके पर पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं। विपक्ष की ओर से लड़की को एम्स में भर्ती कराए जाने की मांग की जा रही है। वहीं धरने पर बैठे थे इलाके के लोग। आज सुबह इलाके के लोग गांव में धरने पर बैठ गए थे। इनकी मांग थी कि परिवार वालों को थाने में न बैठाया जाए, परिवार को इंसाफ दिया जाए। लोगों का आरोप था कि परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। हालांकि उन्नाव पुलिस ने ट्वीट करके इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा है। इस बीच इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी समेत कई राजनीतिक दलों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग के साथ ही जिंदा बची लड़की को दिल्ली एम्स में भर्ती कराने की मांग की है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा कि कब तक चुप रहोगे, आज उन्नाव है कल तुम्हारा जिला होगा, आज उनका गांव है कल तुम्हारा होगा, आज दलित बेटियां पेड़ों से बंधी मिली हैं, कल तुम बंधे मिलोगे। याद रहे, मूक दर्शक बनकर बर्बादी का तमाशा देखने वालों को इतिहास कायर कहता है। डराओ, धमकाओ, मुकदमा करो, मैं बेटियों के साथ हूं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उन्नाव में तीन बेटियों के साथ हुई बर्बरता ने देश को हिलाकर रख दिया है। यूपी में बेटी होना अभिशाप हो गया है। एक के बाद एक जिले में बेटियों के साथ बर्बरता, उन्नाव में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति योगी सरकार के निकम्मेपन का प्रमाण है। मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बेटियों के लिए काल बन चुके भाजपा शासित यूपी में सत्ता संरक्षित नृशंस अत्याचार की एक और विचलित कर देने वाली घटना का केंद्र बना है उन्नाव। जंगल में पेड़ से बांधकर दो दलित लड़कियों की हत्या, एक अति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती अत्यंत दुखद है। दरिंदों को कठोरतम सजा दिलाकर न्याय मिले। केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय धरोहर कालका शिमला हेरिटेज रेल लाइन के निजीकरण की तैयारी कर रही है। देश भर में चार ऐसे अंतरराष्ट्रीय धरोहर को निजी हाथों को सौंपा जाएगा। इसी कड़ी में कालका शिमला रेलवे लाइन को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारियां चल रही हैं। हिमाचल का शिमला कालका हेरिटेज रेल ट्रैक, पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी दार्जिलिंग, तमिलनाडु का नीलगिरी और महाराष्ट्र का नेरल माथेरान ट्रैक इसमें शामिल हैं। ये सालाना करीबन 100 करोड़ रुपए के घाटे पर चल रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश की इस विश्व धरोहर को बेचने की बात उठते ही इस पर राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने कालका शिमला रेल लाइन को बेचे जाने की खबरों पर आपत्ति जताई है। सोलन से गुजरने वाले इस ट्रैक को लेकर निजी हाथों में सौंपने की चर्चाओं के बीच कांग्रेसी नेता कुल राकेश पंत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि रेलवे और सरकार के पास शायद इतने समझदार और कुशल अधिकारी नहीं हैं, इस वजह से विश्व धरोहर रेल मार्ग बिकने जा रहा है। सोलन के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सरकारी उपक्रमों को बेचती जा रही है, ऐसे में अब सरकार सरकारी उपक्रमों को बेचने का कैलेंडर जारी कर दे। उन्होंने कहा कि अब सामाजिक संस्थाओं को एक होकर केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने इन चारों माउंटेन नैरोगेज ट्रैक पर सर्वेक्षण शुरू करवाया है। दिल्ली की एक कंसल्टेंसी कंपनी सर्वेक्षण करेगी, जिसे मार्च तक पूरा किया जा सकता है। उसके बाद इन ट्रैक को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। वर्ष 1903 में शुरू हुए कालका शिमला रेलवे ट्रैक को अब 118 वर्ष पूरे होने को हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने इसे बनवाया था और यूनेस्को ने इस रेलवे ट्रैक को 8 जुलाई 2008 को विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। इस मार्ग पर 103 सुरंगें, 300 के करीबन छोटे बड़े आकर्षक पुल, अंग्रेजों के समय के बनाए गए 22 रेलवे स्टेशन हैं। शिमला के लिए यह इकलौती रेल लाइन है जो कालका से शुरू होते हुए सोलन से गुजरकर शिमला पहुंचती है। हमारे देश में राजनीति का स्तर कहां तक पहुंच गया है, इसकी वानगी गाहे बगाहे हमारे सामने आ जाती है। फिर वो टीवी चैनलों पर राजनीतिक पार्टियों की अमर्यादित भाषा हो, पब्लिक में किसी नेता द्वारा सरेआम दी गई गाली हो, या किसी मीटिंग में अफसरों के साथ बदतमीजी हो, बात यहां खत्म नहीं होती। ऐसे भी वाकया होते हैं जब अपनी ही पार्टी में एक दूसरे के साथ जमकर तू तू मैं होती है और इसके वीडियो वायरल हो जाते हैं। एक और वीडियो वायरल हो रहा है
जो इन सभी से आगे बढ़कर है, जहां कांग्रेस के नेताओं की एक बैठक थी जिसमें किसी बात को लेकर कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। बाकी आप खुद देखें मध्य प्रदेश कांग्रेस के इस वीडियो को और देखें कि क्या हुआ। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए नीलामी चेन्नई में जारी है। 292 शॉर्टलिस्टेड प्लेयर्स में से 61 के लिए बोली लगाई जा चुकी है। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। वे लीग के इतिहास के नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। यूवी को 2015 सीजन के लिए दिल्ली ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। नमस्कार।